नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे चक्रवात और प्रति चक्रवात के बारे में। आखिर चक्रवात क्यों आते हैं, चक्रवात और प्रति चक्रवात में अंतर क्या है, आखिर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की अलग अलग दिशाएं क्यों होती है, चक्रवात के दौरान भारी वर्षा क्यों देखी जाती है, इन सब के बारे में आज हम पूरे कंसेप्ट के साथ बात करेंगे। ठीक है, तो पहले चक्रवात के बारे में जानने से पहले एक दो पॉइंट के बारे में जानना जरूरी है। पहले ये जान लेते हैं वायु, हवा और आंधी, इन सब के कारण क्या है, क्या होते हैं। ठीक है, तो अस्थल मंडल या पृथ्वी, जिस जहाँ हम रहते हैं वो पृथ्वी है और उसी को स्थल मंडल भी कहा जाता है। जहाँ जल है यानी महासागर, उसे जल मंडल कहा जाता है, और जहाँ वायु मौजूद है उसे वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है, तो स्थल मंडल या पृथ्वी की सतह से ऊपर स्थित अनेक गैसों के मिश्रण को वायु कहा जाता है। आप सब जानते हैं कि वायुमंडल में अनेक गैस मौजूद है, हीलियम, आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इन्हीं के मिश्रण को जो है वायु कहा जाता है, और ये जहाँ मौजूद है उसे वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है, गतिशील वायु को हवा या पवन कहा जाता है। ठीक है, जब यही वायु गति करती है तो इन्हें ही हवा या पवन कहा जाता है। अब गति क्यों करती है, तो इनका जो गति का कारण होता है वो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर बढ़ना होता है। ठीक है, अब ये उच्च वायु दाब और निम्न वायु दाब क्या है, ये हम लोग थोड़ी देर में जानेंगे कंसेप्ट। ठीक है, तो ये अभी सिंपल से याद रखें कि गतिशील वायु को पवन कहा जाता है और इनके गति के कारण होता है, वायु का जो नेचर होता है वो ये होता है कि वो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, और यही वायु जब अधिक तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान यानी उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर अधिक तेजी से बढ़ते हैं तो यही आंधी या तूफान का रूप ले लेते हैं, यही वायु। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं वायु दाब के बारे में। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वायुमंडल जो है वो पृथ्वी से बंधा हुआ है। ठीक है, और जिस कारण जो होता है वायु में भार होता है। इसका अगर एग्जाम्पल देखना है तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल एक साइकिल या मोटरसाइकिल के खाली टायर लीजिए। ठीक है, उसका वजन कीजिए और उसके बाद में उसमें हवा भरिए और तब उसका वजन कीजिए। देखिए, आपको फर्क खुद समझ में आ जाएगा कि वायु में भार होता है। ठीक है, और अब जिसमें भार होगा उसमें दबाव बनाने की क्षमता भी होगी। ठीक है, तो यही जब आप इसी अब दबाव का एग्जाम्पल देखिए कि जब इसी टायर में जब आप जरूरत से ज़्यादा हवा भर देते हैं तो वायु के प्रेशर के कारण ये जो ट्यूब है, ये टायर है, दोनों फट जाता है। ठीक है, तो ये हवा का दबाव हो गया। ठीक है, अब इसका एक और एग्जाम्पल बैलून भी है। जब आप बैलून में हवा भरते हैं तो जब एक टाइम आता है कि जब जरूरत से ज़्यादा जब हवा भर देते हैं तो वायु का दबाव नहीं झेल पाता है और वो बैलून फट जाता है। ठीक है, तो जिसमें भी भार होगा उसमें द्रव्यमान होगा ही, और जो जितना भारी होगा उसमें उतना ही ज़्यादा दाब होगा, यानी उसमें उतना ही ज़्यादा दाब लगाने की क्षमता होगी। आप अपने हाथ में एक एक किलो के वजन का सामान रखें और दूसरे हाथ में 2 किलो के वजन का सामान रखेंगे, आप देखेंगे कि आपके हाथ में जो 2 किलो वाला जो वजन का सामान है वो ज़्यादा आपके हाथ में दबाव बना रहा होगा। तो जिसमें जितना भार होगा वो उतना ही ज़्यादा दबाव बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ जानिए उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब क्या है। तो जब वायु गर्म होती है तो वायु का प्रसार होता है। अब कहाँ गर्म होती है ये हम लोग आगे जानेंगे, या अभी जानिए कि वायु जब गर्म होती है तो वायु का प्रसार होता है, और जिस कारण जो है वायु हल्की होकर ऊपर उठती है। ठीक है, वायु हल्की होकर ऊपर उठती है, और जो चीज़ जितनी हल्की होगी उसका दाब जो है उतना ही कम होगा। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया था कि एक हाथ में 1 किलो का वजन लीजिए और दूसरे हाथ में 2 किलो का वजन लीजिए, तो जिस हाथ में आपका 2 किलो का वजन होगा यानी जो ज़्यादा वजन होगा वही आपके हाथ में ज़्यादा दबाव बनाएगा। तो इसीलिए जो हल्की वायु हो जाती है, तो जहाँ से हल्की वायु होकर ऊपर उड़ जाती है सूरज की रोशनी में गर्म होने के बाद, तो वहाँ पर जो होता है निम्न वायु दाब बन जाता है। ठीक है, तो ये निम्न वायु दाब हो गया, और जहाँ नम वायु रहती है यानी जहाँ सूरज की रोशनी कम पहुँची है, जहाँ की वायु ठंडी है, वहाँ उच्च वायु दाब होता है। ठीक है, तो सरल भाषा में जो समझे तो जो चीज़ जितना हल्का होता है उसका दाब उतना ही कम होता है। ठीक है, और गर्म वायु जो होता है वो ऊपर कैसे उठता है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है ये है, वो हॉट एयर बैलून इसे कहा जाता है। ठीक है, इसमें आदमी लोग सवारी भी करते हैं। ठीक है, तो ये इसमें जो होता है देखेंगे इस तरह से, इसमें ईंधन के तौर पे आग को जला दिया जाता है। ठीक है, और जिसके कारण जो होता है इसमें का वायु हल्का हो जाता है और ये धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है, और ये अपने साथ 2-3 आदमी को भी ऊपर लेकर उठने की इसमें क्षमता होती है। ठीक है, चिमनी से निकलने वाला धुआं भी एक उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं चक्रवात के बारे में। ठीक है, हमने उच्च वायुदाब निम्न वायुदाब का कंसेप्ट देख लिया, तो चक्रवात का कंसेप्ट देखते हैं, ये काफ़ी आसान है, समझ में आ जाएगा आप तो। ठीक है, तो जब सागरों का पानी सूरज की रोशनी में 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म हो जाता है तो ये हवा और पानी दोनों का भाप ऊपर उठता है। ठीक है, अब इस जहाँ से ये हवा
का भाप जहाँ से हवा ऊपर उठेगा हल्का होकर, ठीक है, तो अब इसका जगह लेने के लिए जो होता है आसपास की सभी हवाएं जो है एक साथ इस तरफ बढ़ती हैं, ठीक है। लेकिन पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पे घूर्णन कर रहा है, इस कारण जो है ये हवाएं भी जो है ये गोल गोल चक्र में घूमना शुरू कर देती है। और यही गोल चक्र में जब ये घूमना शुरू कर देती है, अब इस देखिए यहाँ की हवा हल्का होकर ऊपर उठ गई तो इसका जगह लेने के लिए आसपास की हवा आ गई, फिर ये जहाँ से आई है उसका जगह लेने के लिए दूसरे जगह से हवाएं आ जाती है, फिर ये यहाँ से गर्म होकर फिर ये भी हल्का होकर ऊपर उठने लगती है। इस कारण जो है ये एक गोल गोल चक्र जो है बहुत बड़ा रेडियस में, बहुत बड़े व्यास में बन जाता है, और इस तरह से ये हजारों किलोमीटर में हो जाता है, और यही एक बड़े चक्रवात का रूप ले लेता है, ठीक है। ये है चक्रवात का आपका कंप्लीट कंसेप्ट, ठीक है। यही एक जो है ये चक्रवात का रूप ले लेता है। हम लोग जानते हैं चक्रवात के जो चारों ओर होता है, यानी ये जो चक्रवात के चारों ओर जो होता है ये उच्च वायु दाब होता है, और वायु का इससे पहले मैंने आपको बताया था कि वायु जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करती है। तो जहाँ से गर्म होकर हल्की होकर वायु ऊपर उठ जाती है उस तरफ ये चारों तरफ की जो वायु है वो उसी तरफ बढ़ती है। तो चक्रवात के जो चारों तरफ होता है उच्च वायु दाब होता है, लेकिन इसके केंद्र में जो होता है वो निम्न वायु दाब होता है। और चक्रवात में जो केंद्र में स्थित निम्न वायु दाब का जो केंद्र होता है, यहाँ जो आप गोल्स है ये देख रहे हैं, तो इसे आई ऑफ साइक्लोन कहा जाता है, यानी चक्रवात की आँख कहा जाता है। चक्रवात का व्यास हजारों किलोमीटर तक होता है, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि किस तरह से चक्रवात का व्यास जो है वो हजारों किलोमीटर तक हो जाता है, ठीक है। अब जानिए चक्रवात की दिशा, तो यहाँ ये देखिए ये चक्रवात के दोनों इमेज है, लेकिन एक इमेज में देखेंगे आप तो यहाँ पे ये चक्रवात जो है ये कुछ इस तरह से घूम के आया हुआ है, जबकि यहाँ दूसरे इमेज में देखेंगे तो ये जो है चक्रवात कुछ इस तरह से घूम के आया हुआ है। तो भाई ये चक्रवात की अलग अलग दिशा का क्या कंसेप्ट है, अब ये जानिए। तो चक्रवात की जो दिशा होती है वो दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में होती है, क्लॉकवाइज। देखिए घड़ी ये इस तरह से, घड़ी की सुई की दिशा होती है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये अभी इसके बारे में अब समझते हैं कि आखिर क्यों होती है, ठीक है। तो ये हो गया 0 डिग्री रेखा, या भूमध्य रेखा, या फिर विषुवत रेखा इसे कहते हैं। इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध, इसके ऊपर दक्षिणी गोलार्ध। तो चलिए मान लेते हैं ये उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे जो है सूरज की जो सबसे ज़्यादा रोशनी जो पड़ती है यही भूमध्य रेखा के पास, या 0 डिग्री रेखा, या विषुवत रेखा के पास सबसे ज़्यादा रोशनी यहीं पड़ती है, यानी सबसे गर्म क्षेत्र भी यही है। तो इस कारण जो है यहाँ की वायु जो है ये हल्की होकर सबसे पहले ऊपर उठती है। तो उत्तरी गोलार्ध से जो हवाएं हैं वो इसकी कमी को पूरा करने के लिए, चूंकि यहाँ की हवाएं जो गर्म होकर ऊपर उठ चुकी है, तो यहाँ आसपास की हवाएं इसकी कमी को पूरा करने के लिए उच्च वायु दाब से यहाँ निम्न वायु दाब की ओर बढ़ती है, जिस कारण जो है, लेकिन पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ये भी उसी दिशा में घूमने लगती है और कुछ इस तरह का ये बनाती है। ये देखिए ये है आपका उत्तरी गोलार्ध में कुछ इस तरह का चक्रवात का दिशा होता है। ये देखिए उत्तरी गोलार्ध में कुछ इस तरह के चक्रवात का दिशा होता है, यानी ये देखिए क्लॉक घड़ी की जो दिशा है कुछ इस तरह की है, लेकिन जब इस चक्रवात को देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में तो इसकी दिशा कुछ इस तरह की है, यहाँ देखिए कुछ इस तरह की इसकी दिशा है। इसलिए जो है चक्रवात की दिशा जो है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होती है, जबकि यही दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे तो यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में जैसे देखिए यहाँ पे गर्म हवा होकर ऊपर उठ गई थी, तो इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में जो है चक्रवात की दिशा घड़ी की दिशा में हो जाती है। अब चक्रवात के दौरान वर्षा का कंसेप्ट समझिए, तो सागर का जल जो है, सागर समंदर खाड़ी जो भी है, उसका जल जो है गर्म होकर वो भी जलवाष्प के रूप में उठता है। तो जब ये जलवाष्प के रूप में उठता है तो ये ऊपर जाकर बादल का निर्माण करता है, पानी से भरे बादल का। फिर यही जलवाष्प से भरे बादल ठंडा हो जाते हैं। अब कैसे ठंडा होते हैं तो ये जानिए, इसका कंसेप्ट ये है कि पृथ्वी से ऊपर जब हम बढ़ेंगे तो एक अनुपात के हिसाब से जो है वायुमंडल ठंडा होता जाता है। तो इसलिए जो है ये बादल धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, और ये ठंडा होकर पुनः जल के रूप में जो बदलता है इसी को संघनन कहते हैं। तो ये संघनित होकर पुनः जल का रूप लेता है। फिर ये बादल उसी चक्रवात की दिशा में, चूंकि चक्रवात के दौरान आंधी भी आता है, तो उसी चक्रवात की दिशा में जो है ये आगे बढ़ता है, और इसीलिए जिस जगह पे ये चक्रवात गुजर रही होती है वहां पे तेज वर्षा भी होती है, ठीक है। तो ये है चक्रवात के दौरान वर्षा का कंसेप्ट। अब चक्रवात के दौरान जो होने वाले वर्षा है उसे फ्रंटल वर्षा कहा जाता है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे, चक्रवात के दौरान होने वाले वर्षा को फ्रंटल वर्षा कहा जाता है। अब चक्रवात के नामकरण की शुरुआत जानिए कि चक्रवात के नामकरण की शुरुआत कैसे हुई। तो सर्वप्रथम चक्रवात के नामकरण की जो शुरुआत हुई वो 1953 में अटलांटिक महासागर में हुआ। यहाँ ये अटलांटिक महासागर है, ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, और इधर ये यूरोप और अफ्रीका, इन दोनों के बीच में जो महासागर है उसे अटलांटिक महासागर कहा जाता है।
अफ्रीका और एशिया, और यहाँ पे ये क्या कहते हैं, ये अफ्रीका और यहाँ एशिया, इन दोनों के बीच में जो महासागर है इसे इंडियन ओशन या हिंद महासागर कहा जाता है, और एशिया और ऑस्ट्रेलिया और यहाँ उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इनके बीच में जो स्थित है उसे पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर कहा जाता है, और जो सबसे ऊपर में स्थित है उसे आर्कटिक महासागर कहा जाता है। तो ये चक्रवात के जो नामकरण की शुरुआत है ये अटलांटिक ओशियन में हुई थी 1953 में, यूएसए ने इसमें मुख्य योगदान जो था चक्रवात के नामकरण के लिए जो यूएसए का था, यहाँ पे ये यूएसए स्थित है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो इसी का शुरुआत किया हुआ है 1953 में चक्रवात के नामकरण की। अच्छा, इसकी शुरुआत क्यों की गई, तो इसके पीछे का जो उद्देश्य था कि एक ही समय पे अगर एक से अधिक चक्रवात आने की स्थिति हो तो ऐसे में स्थानीय लोगों और वैज्ञानिकों को किसी प्रकार की कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न ना हो, संदेह की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसलिए इसे चक्रवातों के नामकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। अब हिंद महासागर में जो चक्रवातों के नामकरण की शुरुआत हुई वो 2004 में शुरुआत हुई, ये भारत के पहल पे 8 देशों के द्वारा चक्रवात के नामकरण की शुरुआत की गई हिंद महासागर में, यहाँ ये इंडियन ओशन हिंद महासागर स्थित है। वो 8 देश कौन कौन से थे, तो इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ इंडिया, ये यहाँ बांग्लादेश, यहाँ म्यांमार, यहाँ थाईलैंड, ये श्रीलंका, यहाँ मालदीव, और तब यहाँ पे है, यहाँ मालदीव है, और यहाँ ये आपका पाकिस्तान और ये ओमान, इन 8 देशों ने मिलकर जो है ये हिंद महासागर में चक्रवात के नामकरण की शुरुआत की। फिर 2018 में ईरान, कतर, यूएई, सऊदी अरबिया और यमन भी जुड़ गए। यहाँ पे है आपका ईरान, यहाँ ये कतर, यहाँ यूएई और यहाँ सऊदी अरेबिया और ये यमन, ये सब भी जुड़ गए। तो अब कुल जो है हिंद महासागर में चक्रवात के नामकरण की जो प्रक्रिया है इसमें अब कुल 13 देश शामिल है। और किस तरह से किया जाता है, तो ये देखिए चक्रवातों के जो नामकरण की प्रक्रिया है इसके लिए समूह में जो शामिल 13 देश हैं, ये 13 देश प्रत्येक द्वारा जो है 13 13 नाम दिए जाते हैं, फिर इन 13 देश के नाम के अल्फाबेट के अनुसार चक्रवातों के नाम सूचीबद्ध किए जाते हैं। अब कैसे, तो ये देखिए सबसे पहले देखिए बी वर्ड आता है, तो बी से बांग्लादेश, ये 13 के नाम है, बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई, यमन। तो इसमें क्रमानुसार सजाएंगे तो सबसे पहले बी से बांग्लादेश आएगा, फिर इंडिया, फिर ईरान, इस तरह से। तो यहाँ एग्जाम्पल में देखिए कुछ दिन पहले जो चक्रवात आया था बुरेवी, तो वो नाम जो था वो मालदीव ने दिया था, तो ये मालदीव है। अब मालदीव के बाद किसका नंबर है, तो म्यांमार का। तो अभी हाल ही में तोकाते जो तूफान आया था उसका नाम जो है म्यांमार ने दिया था। अब इसके बाद किसका नंबर है, ओमान का। तो अभी जो आने वाला चक्रवात जो है उसका नाम यास है, और ये यास नाम दिया है ओमान ने। फिर उसके बाद देखिए पाकिस्तान का क्रम आता है, तो यास के बाद जो चक्रवात नाम आएगा, चक्रवात आएगा उसका नाम जो है वो गुलाब होगा, और ये पाकिस्तान के द्वारा नाम दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही अल्फाबेटिकली चलता रहता है। अब भारत की ओर से जो है चक्रवातों के नाम कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं जो भविष्य में भी रखे जाएंगे, गति, तेज, मुड़ासु, आग, नीर, प्रभंजन, घूर्णी, अम्बुज, जलादि और वेग, ये भारत की तरफ से चक्रवातों के नाम सुझाए गए हैं। ठीक है, अब जानते हैं हम लोग प्रति चक्रवात। तो अब तक जो हम लोगों ने चक्रवात में पढ़ा इसका ठीक अपोजिट जो है वो प्रति चक्रवात में होता है, या देखिए चक्रवात में सबसे नीचे में जो होता है वो निम्न दाब होता है चक्रवात के केंद्र में, जबकि प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च वायु दाब होता है। तो जब हवा का मैंने आपको नियम समझाया था कि वायु जो है वो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर जाती है, यानी अभी तक जो है चक्रवात में जो है चारों तरफ से हवाएं केंद्र की तरफ बढ़ रही थी, अब चूंकि केंद्र में ही उच्च वायु दाब हो गया तो अब चारों तरफ से जो केंद्र की हवाएं हैं वो चारों तरफ फैलती है यानी निम्न वायु दाब की ओर बढ़ती है, जिस कारण जो है यहाँ पे इसी को प्रति चक्रवात कहते हैं। ठीक है, प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च वायु दाब और परिधि में यानी इसके चारों तरफ जो होता है वो निम्न वायु दाब होता है, जो बिल्कुल भी चक्रवात के विपरीत है। ठीक है, और प्रति चक्रवात में जो हवाएं हैं वो केंद्र से परिधि की तरफ फैलती हैं। ठीक है, जबकि चक्रवात में जो है परिधि से केंद्र की तरफ हवाएं जाती हैं। तो ये चक्रवात और प्रति चक्रवात में अंतर है। और प्रति चक्रवात की जो दिशा है वो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में, यानी ये उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ ये देखिए ये बिल्कुल घड़ी की सुई की दिशा में है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे तो ये प्रति चक्रवात की दिशा घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, तो ये चक्रवात और प्रति चक्रवात से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आई होप आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हुए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।